हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एडमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेब्राडोर के हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में। काफ़ी सारे लोग डॉग्स को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेब्राडोर को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके हेल्थ रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ जो उनकी एलर्जीज़ है, उनका वेट लॉस होना या फिर वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। अगर हम प्रॉपरली उनकी केयर ना करें, उनका जो खाने का यानी जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, इसी के चलते काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ लैब्राडोर के जो प्रॉब्लम्स है यानी जो सिक पड़ जाता है, बार बार बीमार हो जाता है, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन फूड बताएंगे जो देने से आगे चल के आपके डॉग ब्रीड को जो फीवर आ जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ रिलेटेड वो नहीं होंगे। तो सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आपका डॉग ब्रीड बार बार बीमार हो रहा हो या फिर उसका जो कोट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा हो, शाइन नहीं कर रहा हो, हेल्दी ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला, अगर ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है तो आप अपने डॉग ब्रीड को सनफ्लावर ऑयल दे सकते हैं। ये अवॉइड करेगा आपके डॉग ब्रीड को बीमार होने से। साथ साथ ये श्योर करिए आप कि कोकोनट ऑयल आप अब उसके जो फूड है उसमें ना दें। 1 टेबल स्पून सनफ्लावर ऑयल उसके लिए बेस्ट रहेगा, कोई भी डॉग ब्रीड के लिए बेस्ट रहेगा, स्पेशली लैब्राडोर के लिए। इसके बेनिफिट कई सारे हैं, जो की पॉइंट्स में है वो है कि उसकी जो हेल्थ को प्रमोट करेगा सनफ्लावर ऑयल, साथ साथ उसके जो कोट है उसको शाइनी करेगा। सेकंड, अगर आपके डॉग ब्रीड में फाइबर्स की कमी हो, विटामिन ए की कमी हो, साथ साथ उसके दांत के लिए कुछ ऐसे वेजिटेबल चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो आप उसे कैरेट दे सकते हैं। सब तरह के वेजिटेबल्स डॉग के लिए एडवाइजेबल नहीं होते, क्योंकि कुछ कुछ जो वेजिटेबल्स हैं वो डॉग के लिए हार्मफुल होते हैं। इसके लिए अगर आप चाहे तो अपने जो डाइट में डॉग के वेजिटेबल में कैरेट ज़रूर ऐड करें, एटलीस्ट वीक में एक बार तो ज़रूर दें आप उसे। ये काफ़ी एसेंशियल है अपने डॉग ब्रीड के लिए। साथ साथ इसमें जो हाई फाइबर्स होते हैं, लो कैलोरी स्नैक है अपने डॉग ब्रीड के लिए, अगर आप स्नैक में देना चाहते हो तो दे सकते हो। साथ साथ ये विटामिन ए प्रोड्यूस करता है डॉग के लिए और ये डॉग के टीथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर आपके डॉग ब्रीड की जो ब्रेथ होती है वो फ्रेश नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही हो, या फिर आपके डॉग ब्रीड के जो टीथ है वो क्लीन नहीं हो रहे हो और आप एक फ्रूट देना चाहते हो, तो जैसे हम ह्यूमंस के लिए एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वैसे ही डॉग के लिए भी है। अगर आप अपने डॉग ब्रीड को एप्पल देते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोटिस, एप्पल जो आप दे रहे हो उसमें से जो सीड होती है एप्पल के अंदर वो साइनाइड कंटेन करती है, और उसके चलते वो जब भी रिलीज या फिर चीव करता है डॉग तो उसके अंदर, डॉग के बॉडी के अंदर वो रिलीज़ हो जाती है, उसके चलते डॉग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डॉग को अगर आप एप्पल दे रहे हो तो उसकी सीड ज़रूर से निकाल लें और जो बाकी का जो एप्पल होता है वो आप उसे खाने दे सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी स्नैक होता है अपने डॉग के लिए, साथ साथ उसकी टीथ और जो ब्रेथ है उसे फ्रेश रखेगा। कई बार डॉग एक ही चीज़ यानी रोटी छाछ अगर आप देते हो या फिर कभी कभी डॉग फूड से भी बोर हो जाता है, वो रोज ही एक एक खा के उसे बोर होता है और वो खाना कभी कभी छोड़ देता है। तो इसके लिए एक बेस्ट टिप है कि आप अपने डॉग ब्रीड को दही देते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उसको। साथ साथ अगर आपका डॉग ब्रीड कभी खाना नहीं खा रहा हो, बोर हो रहा हो एक ही खाना खा खा के, तो आप रोटी और दही दे सकते हो या फिर दही भी उसे खाने को दे सकते हैं। इसके चलते डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी, उसके माउथ के अंदर के जो जर्म्स है वो भी मर जाएंगे। तो आप चाहे तो दही भी अपने डॉग ब्रीड को दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप नॉनवेज देते हो अपने डॉग ब्रीड को, तो कुछ लोग चिकन देते होंगे और कुछ लोग एग, या फिर दोनों देते हो, तो ये इंपॉर्टेंट बात ज़रूर याद रखें। अगर आप अपने डॉग ब्रीड को एग्स देते हो तो बॉईल करके ही देना है, कच्चे एग नहीं देने, और अगर चिकन भी देते हो तो उसे भी बॉईल करके दीजिए, कच्चे नहीं देने, यानी रॉ मीट नहीं देना है। अगर आप उसे रॉ मीट देते हो तो उसके चलते डॉग ब्रीड को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके डॉग ब्रीड को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर ब्लोटिंग प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसे एग देते हो उसके चलते उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, साथ साथ रिवर्टाइज उसकी एनर्जी को करेगा। और लैब्राडोर को अगर एग्स और आप जो चिकन देते हो उसके चलते उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स जिसकी ज़रूरत होती है उसको वो कम्प्लीटली मिलते हैं। और अगर आप चाहे तो कभी कभी अपने डॉग ब्रीड को ये दे सकते हैं। कुछ लोग को ये डाउट होगा कि हम तो ये सब देते ही है या फिर हम लोग सब डॉग फूड जो है प्रॉपरली दे रहे, तो भी हमारे लैब्राडोर को बीमारी यानी सिक क्यों पड़ रहा है, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? तो उसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि वो प्रॉपरली वाटर नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर आपका डॉग ब्रीड 2 लीटर प्रॉपरली वाटर पिएगा दिन का, तो उसके अंदर जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के अंदर वो रिमूव हो जाएंगे वाटर की हेल्प से, और इसके चलते उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होंगे वाटर पीने से। तो अगर आप वाटर उसको प्रॉपरली देते नहीं हो तो ज़रूर से दे। उसके लिए जो
क्लीन वाटर आप प्रोवाइड हमेशा करें, थ्राइस इन अ डे यानी 3 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं अगर आपका डॉग ब्रीड ज़्यादा पी रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप उसके लिए वाटर अवेलेबल रखें और क्लीन वाटर अवेलेबल रखें। तो ये कुछ फूड्स थे या फिर कुछ टिप्स थी जिसके चलते आपके डॉग ब्रीड के जो हेल्थ प्रॉब्लम देखने मिलेंगे लेब्राडोर में वो नहीं होंगे। तो अगर आप ये अपने डॉग ब्रीड को देते हो लेब्राडोर को, तो इसके चलते हेल्थ जो इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और होंगे भी नहीं, अगर आप प्रॉपरली उसके डाइट चार्ट मेंटेन रखो, एक्सरसाइज और ट्रेनिंग दो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।